The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open. इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो कह रही है कि भाई निकल जाओ भाई, गेट लॉस्ट। Assalamualaikum guys, welcome to my channel Shazina Rahim. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो मैं क्यों मौजूद हूँ ये तो मैं आपको अंदर जाकर बताऊँगी, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट है। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं आपको अंदर जा कर बताऊँगी। तो फ़िलहाल मेरे साथ मेरी फैमिली आई है जी, ये आया है अब्दुल जब्बार। वालेकुम सलाम। अहमद क्या कर रहे हैं? अहमद बैग उठा रहे हैं। ये है जी अबू, ये है जी उमर। बहुत सर्दी है। सर्दी है, बहुत सर्दी है। मुझे भी बहुत सर्दी लगी है। तो अभी ये मुझे छोड़ने आए और अबू ने जो जुगाड़ लगाया हुआ है, अबू के जुगाड़ की क्या बात है। तो अभी हम चलते हैं, तो इंशाल्लाह अंदर जाके बताऊंगी, सरप्राइज़ है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मैं नहीं बताने वाली। तो फिर मैं अंदर जाके आपको बताऊंगी। तो चलते हैं, अभी सर्दी है और बहुत शदीद सर्दी, मैंने 3-4 स्वेटर पहने हुए हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। देखो चवलियाँ मार रहे हैं, ये देखो क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, हैं क्या कर रहे हो? सच में चवलियाँ मार रहे हैं, चवलियाँ मार रहे हैं ये नमूने। अहमद तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस बाहर जा रहा हूँ। घर से बाहर जा रहे हो, दुनिया से बाहर जा रहे हो? एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हो। अब्दुल जब्बार ने मेरा बैग उठाया हुआ है और देखे कितना वजनी बैग है। क्या हमारा बैग है जो कि अभी हम डालने लगे हैं, बहुत वजनी है, 100 किलो से ज्यादा ही लगता है। ये सुने इनकी बातें सुने, चलो भाई मेरे से ज्यादा तो मेरे इन चीजों का वजन है। और वो कहेंगे भाई पुत्र छुट्टी कर, किसकी तरफ हो रही है? फिलहाल तो लिफ्ट की तरफ हो रही है। और अहमद ने मेरे लगेज उठाए हुए हैं और अब्बू वो आगे आगे जा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। चलो वो कह रही है कि भाई निकल जाओ भाई, गेट लॉस्ट। ये देखें आ रही है, और ये भी निकलने लगे। सीरियसली गाइस बहुत ही मसले हैं, बहुत ही मसले हैं। अभी मैंने ये लिया, फिर मैं एक टैग लेने आई और उस लैपटॉप बैग के लिए, और वो जस्ट इस कतर एयरवेज के साथ लगा हुआ था। मैंने कहा कि फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना करें, और मेरा बैग भी ज़ख्मी हो चुका है। और उसकी रीज़न ये है कि इनकी ट्रॉलीज माशाल्लाह थी, और उसके बाद अब ये इतनी लंबी लाइन से मैं पहले इस लाइन में गई हूँ और अब फिर शुरू से लगने लगी हूँ इसी लाइन में इमिग्रेशन की। बहुत मुश्किल है यार, इमिग्रेशन हो गई है। अब मैं नीचे जा रही हूँ, तो चलते हैं। मैं तो सीरियसली बहुत थक गई हूँ, बहुत थक, इतना रश और ऊपर से ये मेरा कांधा गिर रहा है, बल्कि गिर नहीं रहा, मेरा कांधा टूट रहा है। तो चलिए अब चलते हैं, अब जाना कहाँ है, इधर थोड़ा वेट करते हैं, देन फिर देखते हैं इंशाल्लाह। सफ़र है ना, तो अभी मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, तो बैठ के बताती हूँ कि मैं जहाँ कहाँ आई हूँ। Is this really happening? I can't believe it's true.
I'm just as surprised as you. Hi. This way, please. Thank you. मुझे अब सीट ही नहीं मिल रही कि कहाँ है, ऊपर से इतना ज़्यादा रश है, तो अल्लाह करे मुझे मेरी सीट मिल जाए। तो लास्ट समय की बात है कि आज मुझे मेरी सीट बहुत अच्छी मिली, और वो सीट कुछ यूँ है कि मेरी सीट विंडो सीट है। तो मैं एक्साइटेड हूँ कि फाइनली मुझे विंडो सीट मिली। लास्ट टाइम गई थी कराची तो बिल्कुल भी मिली। एक्सक्यूज मी, आई प्लीज हेल्प, वेयर इज माय सीट? 268। थैंक यू सो मच। तो गाइस फाइनली मैं अपनी सीट पे बैठ गई हूँ, और मेरी तो विंडो सीट है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी मिली है बहुत अच्छी सीट मिल गई है। और साथ इन्होंने ये दिए हैं, हेड पीस दिए हैं, और साथ ही इन्होंने कंबल दिया है, ऊपर करने के लिए शॉल दिया है, क्योंकि आई थिंक सो ऊपर जाकर ना सर्दी बढ़ जाती है। सो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ, मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं जा रही हूँ UK। फर्स्ट में जाऊँगी, मेरा ले ओवर है दोहा, 5 घंटे का ले ओवर है। उसके बाद इंशाल्लाह आगे UK जाऊँगी। सो मैं जा रही हूँ स्पेशली अपनी सिस्टर को मिलने, 1 साल से ऊपर हो गया है और उससे मुलाकात नहीं हुई। तो सो वहाँ मैं घूमूंगी भी, फिरूंगी भी, और आप लोगों के लिए व्लॉगिंग भी करूँगी, और कोशिश करूँगी। आप लोग दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत है और मैं सर्दी से बहुत भागती हूँ। और सीरियसली गाइस, मैं रात की जा रही हूँ। तो बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से पहुँचाए, और अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं व्लॉगिंग करूँ। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप सपोर्ट करोगे तो देन मैं आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करूँगी। तो अभी मैं थोड़ा आराम करती हूँ, उसके से थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। इन्होंने सीट के आगे TV दिया हुआ है, तो आई थिंक सो ये खाना खाने के लिए है। ये बात कैसे होगा, क्या है? ये इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जो है कबाब ऑर्डर किया है, और ये इन्होंने पानी दिया जो कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है ऑलरेडी, और इसमें चम्मच है, ये एक रुमाल सा दिया है इन्होंने, और मेरे ख्याल से ये टिश्यू है। दिस इज़ जैम, स्ट्रॉबेरी जैम, एंड दिस इज़ मिक्स फ्रूट, एंड आई हैव नो आइडिया ये कोई स्वीट में चीज़ लग रही है, बट यमी लग रही है, टेस्ट करके देखते हैं। साथ में इन्होंने दिया है ये, और विदाउट शुगर मैंने कॉफ़ी ली है। सबसे पहले तो बहुत शरीर वाली प्यास लगी थी, मैंने कहा पानी पी लिया, ठंडा है बट इट्स ओके, फिर कोई शरीर आई हुई है। तो खाना टेस्ट करके मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि इतना खाना क्या। ये पराठा दिया, एंड आई थिंक सो दिस इज आलू पोटैटोस, एंड ये चिकन के पीसेस हैं जो तो अच्छे लग रहे हैं। ये भी कोई ग्रीन मतलब सब्जी लग रही है, और वो भी इसकी कैरेट्स की, तो मैं टेस्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि कैसी है टेस्ट। मुझे तो जायका अच्छा लगा। नाइस, दैट्स ग्रेट, बहुत मज़े का जायका है।